टू फिंगर टेस्ट, एक ऐसा सवाल जिसने देश की शीर्ष अदालत को भी बेचैन कर दिया है। बीते 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में इस टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया। साथ ही कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका अवैज्ञानिक है, जो पीड़िता को एक बार फिर से प्रताड़ित करता है। यौन उत्पीड़न के मामलों में टू फिंगर टेस्ट कराने वाला कोई भी व्यक्ति कदाचार का दोषी माना जाएगा। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कि ये टू फिंगर टेस्ट है क्या। ये एक बेहद ही विवादास्पद टेस्ट है, जिसके तहत महिला के जननांग में उंगलियां डालकर अंदरूनी चोटों की जांच की जाती है। ये भी जांचा जाता है कि दुष्कर्म के शिकार महिला संभोग की आदी है या नहीं। अगर जननांग में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो महिला को यौन रूप से सक्रिय माना जाता है। इसी परीक्षण में महिला के कौमार्य या कौमार्य न होना भी मान लिया जाता है, यानी इससे महिला की वर्जिनिटी भी टेस्ट की जाती है। अगला सवाल कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रणाली अब भी व्याप्त है। महिलाओं का गुप्तांग संबंधी परीक्षण उनकी गरिमा पर कुठाराघात है। ये नहीं कहा जा सकता कि यौन संबंधों के लिहाज से सक्रिय महिला के साथ दुष्कर्म नहीं किया जा सकता। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं पर किए जाने वाले टू फिंगर टेस्ट को प्रतिबंधित कर दिया और निर्देश दिया कि परीक्षण करने वालों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने रेप और हत्या के दोषी को छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अगला सवाल उठता है कि यह टेस्ट विवादित क्यों है। दरअसल पिछले कुछ सालों से इस पर लगातार बहस हो रही है। इसके दो कारण हैं। पहला, कोर्ट का इसे असंवैधानिक ठहराने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में रेप पीड़िता का यह टेस्ट किया जाना, और दूसरा, पीड़िता की निजता और सम्मान के हनन के साथ साथ रेप के बाद भी इस टेस्ट के नाम पर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाना। अगला सवाल कि क्या इसके पहले भी कभी इस पर बैन लगाया गया था। देखिए, यह पहली बार नहीं है जब टू फिंगर टेस्ट पर देश में बहस छिड़ी है। साल 2013 में राजधानी दिल्ली में निर्भया रेप के बाद इसे लेकर बहस छिड़ी थी। उसी समय इस टेस्ट पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार ने भी उस समय इसे अवैज्ञानिक बताया था। मार्च 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेप पीड़िताओं के लिए नई गाइडलाइंस बनाई थी, जिसमें टू फिंगर टेस्ट के लिए साफ तौर पर मना किया गया था। सवाल उठता है कि क्या यह टेस्ट वैज्ञानिक है। देखिए, विशेषज्ञ इस टेस्ट को बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि संभोग के अलावा भी कई कारणों से हाइमन यानी झिल्ली टूट सकता है, जैसे कि कोई खेल खेलना, साइकिल चलाना, टैम्पोन का इस्तेमाल किया जाना या चिकित्सा परीक्षणों के दौरान आदि। इसके अलावा जब प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों में शिथिलता का पता लगाने की बात आती है तो मनोवैज्ञानिक अवस्था भी प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि एक व्यथित और परेशान व्यक्ति के मामले में प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियाँ तनावपूर्ण हो सकती हैं, जैसा कि एक बलात्कार पीड़िता के मामले में होता है। अगला सवाल कि टू फिंगर टेस्ट पर वर्मा कमेटी ने क्या कहा था। दिल्ली में 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले के तुरंत बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने ऐसे मामलों के लिए सख्त कानूनों और टू फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। एक और सवाल ले लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, यूएन वुमेन और WHO इस पर क्या कहता है। साल 2018 के एक बयान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कौमार यानी वर्जिनिटी परीक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार और क्लिनिकल संकेत नहीं है। अभी तक कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं है जो शत प्रतिशत साबित कर सके कि महिला ने कभी सेक्स किया है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और यूएन वुमेन का भी कुछ ऐसा ही कहना है। तो ये थी बात टू फिंगर टेस्ट की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि इस टेस्ट पर आधिकारिक रूप से बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।